नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आज दिनांक 14 मार्च 2023 को विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के तत्वाधान में बहिष्कार एवं विद्युत विभाग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल। यह गतिविधियों की जानकारी मिलते ही तत्काल टूंडला इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने कमान संभालते हुए पुलिस बल के साथ टूंडला पिछली पीटर मोहम्मदाबाद पर पहुंच गए और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। वहीं पर उपस्थित विद्युत विभाग कर्मचारी के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया, हम लोगों से समान कार्य कराया जा रहा है, समान वेतन मिलना चाहिए ठेका पर क्यों, अगर सरकार के द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमारा यह धरना 72 घंटे का अनिश्चितकालीन में बदल जाएगा। अच्छा मुनीश जी, जो देखिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है विद्युत विभाग का यहाँ पर, क्यों किया जा रहा है? समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए हमें, और ये ठेकेदारी है उसको बीच से हटाया जाए, विभाग द्वारा हमें वेतन मिलना चाहिए, जो लोगों गवर्नमेंट द्वारा यानी हमें वेतन मिलना चाहिए विभाग द्वारा ही, इसलिए हम धरने पर बैठे हुए सभी लोग। कब से यहाँ धरना दिया जा रहा है? आज से ही 15/3/2023 से ही आज से शुरू हुआ है। ये कब तक चलेगा? अभी तो कार्य बहिष्कार है और ज्यादा रहा तो फिर आगे तक तो बिल्कुल कार्य बंद कर दिया जाएगा। 72 घंटे के लिए पहले भी डेट बता चुके हैं, तो 72 घंटे के लिए कोई भी कार्य नहीं दिया, लाइन बाधित हो जाएगी, वो लाइन बाधित ही रहेगी, कोई भी समय का निर्भर कर्मचारी कोई भी कार्य नहीं करेगा।